नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि सिर्फ वीडियो बनाऊं, डालूं, इधर किताबों का, उधर किताबों का, इधर का ज्ञान, या मैं बाबा वाली स्टाइल में आपसे बात करूं। एक होता नहीं फिल्मी बाबा जो आजकल चल रहा, ना मैं कोई बाबा हूं, ना कोई तांत्रिक हूं, ना कोई ओझा हूं, ना कोई गुनिया हूं, बस एक सेवक हूं आप सभी लोगों का और उस परमात्मा का जिनकी वजह से आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले। तो आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही चमत्कारी उपाय और एक ऐसी पावर आपकी सहायता करेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं किया होगा। यह पावर तुरंत जिस दिन से ये प्रयोग करेंगे उसी दिन से आपका कार्य करना चालू कर देती है। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। हर वीडियो में मैं बताता हूं ना कि मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो मैं खुद प्रैक्टिकल कर लेता हूं। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार के परिवार अगर हमसे जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो प्रयास ये रहता है कि उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज दी जाए, वो करें, लाभ लें। हाँ, ये जरूर है, आपके कर्म कुकर्म के अनुसार ईश्वर के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। प्रयास किया जा सकता, एक बार में कोई सफलता ना मिले तो उसको दो बार, तीन बार जरूर करें। और कोई भी टोना टोटका मंत्र जाप से पहले, सबसे पहले आप गणेश भगवान का 11 बार नाम और गायत्री मंत्र 11 बार, अपने कुल देवता पितृ देवताओं का नाम लेकर आप शुरुआत करिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती। तो चलिए आज इसी कड़ी में बता रहे हैं थाली का वो चमत्कारी प्रयोग। प्यारे दर्शकों, ये प्रयोग उनके लिए है जो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, लगती नहीं, और वो वर्षों से खाट पे पड़े हैं, बीमार हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। वो डॉक्टरों के पास बहुत चक्कर लगा चुके, तांत्रिकों के पास बहुत चक्कर लगा चुके। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं, तांत्रिकों के पास जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर इसने करा रखा है, उसने खिला रखा, उसने पिला रखा है। आप एक महीने यहां दौड़े, दो महीने वहां दौड़े, जिंदगी बीत जा रही इसी में, और जो कुछ कमाई थी वो बंद हो गई, जो घर की है वो भी आप दिए जा रहे हैं। तो ऐसे भाइयों के लिए ये चमत्कारी, ऐसी बहनों के लिए ये चमत्कारी उपाय है कि इसे करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रारब्ध दोष द्वारा, ग्रह दोष, कुंडली दोष द्वारा, एनी मतलब प्रॉब्लम, किसी भी दोष द्वारा आपको ये पीड़ा हो रही होगी, वो तत्काल उसी समय से, जिस दिन से ये प्रयोग करना चालू करेंगे उसी दिन से उसका शमन होना चालू हो जाएगा। और देखिएगा 20 से 30 दिन यानी 40 दिन का प्रयोग है, 40 दिन में एकदम आप फ्रेश हो जाएंगे, जो भी बीमारी रहेगी वो लगभग समाप्त हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि अभी कमेंट में हो सकता है कि देखिए अब उनको हम कुछ कह तो सकते नहीं, लेख कर्म का लेख मिटे ना भाई, कितनो जतन करा या कितना करा उपाय, कर्म का लेख मिटे ना भाई। ठीक है, ये प्रयोग उनके लिए है कि जो लोग डॉक्टर भी जिनके देख रहे हैं, डॉक्टर भी अगर रिपोर्ट निकालें कुछ निकल नहीं रहा, ये उनके लिए है। बाकी तो भोग भोगना है, वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, और इस उपाय को करने में क्या हर्ज है, सिर्फ एक छोटा सा कागज तो ही लगेगा। सर्वप्रथम आप एक कागज पर ओम नमः शिवाय लिखेंगे। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद इस सफेद कागज पर लाल पेन से लिखेंगे, उसको अपनी नाभि पे चिपका लेंगे। दोपहर का भोजन करें, शाम का भोजन करें, दोनों टाइम ये कागज एक ही लिख के रख लीजिए, उसी को डेली 40 दिन तक का चिपकाइए। लेकिन जो थाली पे मंत्र लिखना है उस मंत्र को बोल नहीं सकते, बोलने से, चूंकि आपको बता दें मंत्र बहुत से लोग अनायास पढ़ा करते हैं, हर मंत्र को अनायास वैदिक पढ़ सकते हैं, तंत्रोक्त मंत्र को हमेशा अनायास नहीं पढ़ा जाता है, ये कोई भी आपको यूट्यूब पे बाबा नहीं बताया होगा। देखिए जब हम खाली बैठे हैं, किसी अपने शिष्य को बता रहे हैं मेरे पास एक मंत्र है, ओम काला काली महाकाली इंद्र की बेटी, और हम पढ़ना चालू किए, पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो हमारा सिद्ध क्या मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो वो शक्तियां मंत्र के देवी देवता आते हैं, और उनसे हम किसी प्रकार का ना कोई काम देते हैं ना कोई बात करते हैं, सिर्फ उसको दिखाने के लिए मैं कितना काबिल हूं, मंत्र पढ़ देता हूं अनायास।
अनायास पढ़ने के बाद वो शक्तियां किसी न किसी रूप में आपके पास आती हैं, और आपसे जब किसी प्रकार का कोई उनको प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं होती, कोई संदेश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई काम नहीं देते, तो वो कुपित होकर चली जाती हैं। वैसा अगर आप दो चार बार करते हैं तो आपको वो अपने से ब्लॉक कर देती हैं। फिर मंत्र पढ़ा करो, कोई काम जब भविष्य में भी कोई काम करोगे तो नहीं होगा, समझ गए। तो ये जो मंत्र है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूं, और उस मंत्र को आप थाली के ऊपर हल्दी से लिखना, हल्दी ऐसे लेना, डिप करना और पीछे लिख देना, दो तीन शब्द हैं बस, और थाली में तब खाना निकलवा कर खाना। इससे आपको आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपकी बीमारी घटेगी, तंत्र बाधा, खिलाया पिलाया, जादू टोना, कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड मैं दावा करता हूं, 3 दिन करके देखिए, अगर लाभ नहीं होगा तो आगे मत करना। मैं इसलिए ये चीज देता हूं कि आप लोग ये तंत्र मंत्र जादू टोनों के चक्कर में कम पड़कर अपना उपाय स्वयं करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें। सबसे बड़ा देखिए, आपको श्राप माता पिता का ही लगता है, उनको अगर आप कष्ट दिए, उनको पीड़ा पहुंचाए, तो ना कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक, ना कोई ईश्वर, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, कोई काम नहीं आएगी उनका जब श्राप लगेगा। तो माता पिता को खुश रखें और कोशिश करें वर्ष में एक पेड़ जरूर फलदार अपने आसपास लगाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।